नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएनएन न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान का नाम गुरमीत सिंह बताया जा रहा है और वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत सिंह फतेहगढ़ साहिब के अमरोह तहसील के रुड़की गांव का रहने वाला था। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि उसकी हत्या हुई या आत्महत्या। ऐसे में कुंडली थाने की पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान आंदोलन का एक साल पूरा होने वाला है। ऐसे में किसान संगठनों ने 29 नवम्बर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। दरअसल किसान एकता मोर्चा के तहत किसान संगठनों की बैठक हुई। इस बैठक में किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह और गुरनाम सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि 29 तारीख से संसद में शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद टिकरी और गाजीपुर के किसान विरोध प्रदर्शन करने और अपने मुद्दों को उजागर करने के लिए संसद भवन की ओर बढ़ेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मीडिया से पुष्टि की है कि ऐसा किसी भी मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएनएन न्यूज के साथ।